हूँ सप्तु बाबू। अरे नहीं 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 पोपट भाई, अभी मेरी दीदी और जमाई बाबू के घर का डिजाइन है। हाँ बता बता बता। ओके अय्यर भाई आपका नंबर। दीदी ये आपके बेडरूम का डिजाइन है और आपने जैसा कहा था ना वैसा मॉडर्न मॉड्यूलर किचन भी लगेगा। ओ हो हो क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुभ्तू एकदम परफेक्ट डिजाइन हुए थे हैं। थैंक यू क्या बात है यार मस्त है। हाँ थैंक यू दीदी, आपका घर बिल्कुल आपके जैसा मॉडर्न होगा। थैंक यू। बराबर बिल्कुल बराबर बोले। घर का डिजाइन तो बहुत ही एक्सेलेंट है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, क्या है कि मेरे बाथरूम की सीलिंग पर ऐसा प्लास्टर लगा ना कि पोपटलाल के बाथरूम की टाइल्स में कुछ भी गड़बड़ हो मेरे सीलिंग में लीकेज नहीं होना चाहिए। अय्यर भाई। अरे जामाई बाबू आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ना तो पोपट भाई के बाथरूम के टाइल्स में से लीकेज होगा और ना ही आपका प्लास्टर का प्रॉब्लम होगा। देखा देखा सुना सुना। थैंक यू सो मच। और जीजा जी हमने जैसे बाद में डिस्कस किया था हाँ? आपके बैल्कोनी को घर के अंदर लाकर हॉल के एरिया को हम बड़ा कर देगा। गुड वेरी गुड बहुत अच्छा किया। एक मिनट बालकनी को घर के अंदर लेके मतलब? मतलब बालकनी को कवर करके हम उसे हॉल में ले लेंगे। मैं अभी आपको डिजाइन दिखाता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। बबीता जी की बालकनी कवर मतलब? बबीता जी की बालकनी कहाँ गई? हे भगवान क्या अभी बबीता जी के दर्शन बालकनी में कभी नहीं होंगे? Yes, excellent, क्या बात है बहुत बढ़िया। क्या हुआ जड़ला? ये गलत है। इसमें क्या गलत है जड़ला? यार भाई आप अपना रूम बड़ा करने के लिए बालकनी को अंदर लेके तो बालकनी में दीवार चुनवा देंगे तो बाहर से सीलिंग का पूरा देखाव बिगड़ जाएगा। जयलाल मैं अपने घर का बालकनी को कवर करूं इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? अरे यार अगर तुम अपनी बालकनी को क्लोज कर दोगे तो सोसाइटी का एलिवेशन खराब दिखेगा भाई। हाँ। लेकिन आत्माराम मेरे को अपने हॉल का एरिया बड़ा करने का है। अरे ऐसे तो कल को ये मेहता साहब भी अपना वो हॉल बड़ा करने के लिए सोसाइटी कंपाउंड को अंदर ले लेंगे। ये हाथी भाई सोसाइटी कंपाउंड को अंदर लेके वो अपने छोटे से दवाखाने को बड़ी हॉस्पिटल में बदल देंगे। जनरल ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे क्या बोल रहे हो क्या, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ भाई? बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई जेठालाल। भाई यार भाई कैंसिल करो, अगर आपने अपनी बालकनी को एकदम ऐसे कवर कर दिया तो आपका घर बिल्कुल डिब्बे जैसा लगेगा। हाँ सही बात है भाई। तो जरा सोचिए कल को लड़की वाले अगर मुझे देखने आएंगे और मेरा एड्रेस पूछेंगे कि भाई गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल कहाँ रहते हैं तो अगला क्या जवाब देगा? कि वो जो वो पहले माले पे डिब्बे जैसा घर है उसके ऊपर वाला घर, तो वो लोग तो फिर मेरे घर पर ही नहीं आएंगे, तो नीचे से ही वापस चले जाएंगे। एक मिनट, पोपटलाल घर का डिब्बा बरनी कुछ नहीं बना सकते। और अय्यर भाई बृहन मुंबई महानगर पालिका के नियमों के अनुसार आप बिल्डिंग के इलेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अरे बृहन मुंबई महानगर पालिका। देखिए बबीता जी मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या अगर आप वो बालकनी में दीवार चुनवा देंगे तो आपका घर जेल जैसा हो जाएगा। फिर आपको अगर खुली हवा चाहिए होगी तो आपको सीधा अगस्सी पे जाना पड़ेगा। अगस्सी मतलब छत? छत अय्यर टेरेस। पर बबीता जी हम सब लेडीज बालकनी में आके बातें करते हैं तो वो तो हमारा संपर्क टूट जाएगा। ऐसे तो हमारी दोस्ती के बीच दीवार आ जाएगी। हाँ आप लोग सब सही बोल रहे हो। नो इश्यूज भाई,
सोसाइटी का लुक और एलिवेशन खराब हो ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करवाना चाहते। सब तो तुम हॉल का डिजाइन बदल दो हाँ प्लीज। डोंट वरी दीदी, हो जाएगा। बबीता जी हंचा विजय असो। ओके ओके वेरी गुड। सब तो बाबू अब तो आपको मेरा घर की डिजाइन ही दिखानी पड़ेगी भाई। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। नहीं अभी आपके घर का नंबर नहीं है पोपट बाबू मशाय, अभी तो जेठा भाई के घर का नंबर है। अरे नहीं नहीं सत्तू भाई एक काम कीजिए, हमारा बाद में दिखाना, पहले पोपट लाल का घर दिखा दीजिए। हाँ। नहीं नहीं पापा ऐसे ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। ओ अच्छा सॉरी पोपट लाल। सॉरी हाँ पोपट भाई सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये देखिए जेठा भाई ये आपके घर का डिजाइन है। बहुत बढ़िया है जेठा। हाँ बहुत मस्त बना है दया। वाओ मस्त डिजाइन लग रहा है ना पापा। अरे टप्पू सत्तू भाई बबीता जी के भाई है तो डिजाइन तो मस्त ही बनाएंगे ना है बबीता जी। दया हॉल कितना बड़ा लग रहा है देखा तूने? हाँ एक्चुअली बाबू मशाई आपको हॉल इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने आपका बेडरूम का दीवार को तोड़ के हॉल को बड़ा किया है। ओहो अरे वाह देवो बच्चे जी सत्रुजी भाई अपनी दीवार कब तोड़ दी? अरे दया बहन हमने अभी तक तोड़ा नहीं है, तोड़ने वाला है ताकि आपके हॉल का एरिया बड़ा हो जाए। लेकिन सप्तरंगी भाई एक शंका है, मतलब आप अगर दीवार तोड़ोगे तो बिल्डिंग कमजोर नहीं पड़ जाएगी? हाँ नहीं भीड़े भाई, बिल्डिंग बीम और कॉलम के सपोर्ट पे होती है, ये ब्रिक वॉल तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ अच्छा सत्तू भाई एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए पूछिए। आपको हमारा हॉल बड़ा करने के लिए जो दीवार तोड़ने वाले हैं, तो उससे हमारा बेडरूम छोटा नहीं हो जाएगा? नहीं जेठा भाई आपका बेडरूम मैं इस तरह से डिजाइन करूंगा कि आपको जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे वाह ओहो दया भाभी अब आपके घर में मस्त गरबा खेल सकते हैं। और जेठा भाई ये आपका डाइनिंग टेबल, इस पे आपको फाफड़ा जलेबी खाने में ना खूब मजा आएगा है। इनको भी पता चल गया है फाफड़ा जलेबी के बारे में। बबीता जी आपने बताया होगा है ना, है ना? बहुत बढ़िया है आपने बहुत बढ़िया किया सत्तू भाई। आप टप्पू और चाचा जी का कमरा। अरे वाह 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 यहाँ बेड होगा और यहाँ टप्पू के लिए स्टडी टेबल होगा। वाह सुपर डिजाइन लग रहा है, दादाजी को भी ये डिजाइन बहुत पसंद आएगी। हाँ तो ये डिजाइन कंफर्म? दया फाइनल टप्पू? हाँ पापा फाइनल 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 फाइनल। थैंक यू जी थैंक यू। सुभाष का अभी तो गिनती भूल गया था। सत्तू भाई अभी और किसी का घर मत दिखाना, अभी सिर्फ पोपट लाल का घर दिखाना। हाँ अभी उन्हीं का तो घर का डिजाइन बचा है। मालूम है मुझे। और पोपट लाल बाबू मशाई ये है आपका ब्यूटीफुल किचन। और हॉल में ये राइटिंग टेबल और उसके बाजू में न्यूज़पेपर का स्टैंड। और मैं सोच रहा था कि हॉल में बड़े बड़े पत्रकारों की तस्वीरें भी लगाओ, कैसा रहेगा? वाह 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 फर्स्ट क्लास आइडिया है, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। तो दूसरा क्या है पोपटलाल, कोई भी तुम्हारे घर पे आएगा उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये किसी पत्रकार का ही घर है। हाँ, सही बात। सिर्फ पत्रकार नहीं जेठालाल गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार। ओ सुंदरी कवाड़ा विसरू नको बाबा। पोपट भाई जैसा आपने कहा था वैसे आपके बेडरूम का ये डिजाइन, ये आपका बेड के पास में स्टडी लैंप, यहाँ आपका अलमारी होगा,
यहाँ आपका स्पेशल छाता स्टैंड। मैं देखा आपका स्टैंड भी है इसमें। और ये आपका सिंगल बेड। कैसा लगा आपको डिजाइन पोपट भाई? वाह 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 पप्पू, और तेरे घर का डिजाइन बहुत बढ़िया। और लड़की वाले आएंगे ना तो घर को देख के एकदम खुश हो जाएंगे। नहीं 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 भाई, नहीं होंगे खुश। क्यों? अरे भाई बेड इन्होंने सिंगल ही बनाया। ओ पप्पू, तू सिंगल है तो बेड भी सिंगल ही होगा ना। अरे भाई सोड़ी, मैं अभी सिंगल हूँ लेकिन शादी के बाद तो डबल बेड की जरूरत पड़ेगी ना। मैं सब तो बाबू, आप अभी इसे डबल बेड के हिसाब से डिजाइन बनाइए भाई। लेकिन पोपटलाल उसमें एक जोखम है। क्या जोखम? मान लो लड़की वाले तुम्हारे घर आए और उन्होंने ये डबल बेड देखा तो उनको शंका हो सकती है कि भाई आदमी सिंगल और बेड क्यों डबल। तो भाई एक काम करो, आप बेड ऐसा डिजाइन करो कि अभी सिंगल हो तो शादी के बाद डबल हो जाए। ओके ओके, मैं कोशिश करूंगा। हा? भाई सप्तरंगी भाई, आप मेरा घर ऐसा डिजाइन करो कि नए घर में जो भी लड़की वाले मुझे देखने आए, नया घर देखते ही शादी के लिए हाँ कर दे। अरे पोपट भाई, हम घर का ऐसा डिजाइन करेगा कि आपका और मेरा दोनों का शादी हो जाएगा। अरे अरे नहीं 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 नहीं, एक ही लड़की से नहीं, हम भी उनकी तरह शादी के लिए बेकरार है। तो पोपट भाई, आपके घर का डिजाइन फाइनल? अरे एकदम एकदम फाइनल फाइनल। अरे एक मिनट एक मिनट पोपट अंकल, अभी तक क्लब हाउस की डिजाइन देखनी बाकी है। अरे हो, अरे हाँ, अरे भाई बैठो बैठो बराबर बैठो। और अब आप सभी के क्लब हाउस का डिजाइन। यस, मजा आ जाएगा। इसमें आपके खेलने का एरिया है, आपकी सोसाइटी की मीटिंग का एरिया है और कोई भी प्रोग्राम करने का परफेक्ट स्टेज एरिया है। बबीता दी ने हमको बताया है कि आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी में सभी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो कभी कोई खुशी का मौका हो और बाहर कड़कती धूप हो या जोरदार बारिश हो तो आप अपना प्रोग्राम ये क्लब हाउस में कर सकते हैं। क्लब हाउस में लाइट और म्यूजिक सभी का कनेक्शन दिया है। और टप्पू सेना, यहाँ तुम्हारे सभी गेम्स खेलने के लिए बहुत जगह है। थैंक यू। अरे शतरंगी नाम है मेरा, सबके जीवन में रंग भरना। जबरदस्त, वाह 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 सत्तू भाई, क्लब हाउस की डिजाइन भी बढ़िया बनाई और हम सबके घर की भी डिजाइन एकदम भालू बनाई। भालू नहीं, भालू भालू। तुझे इतना मुंडली कैसे आता? नहीं इतना नहीं, एवढच। अरे एवढच एवढच करून फारच येते। ओए सप्तरंगी ब्रा, हम सबके घर के डिजाइन एकदम चकाचक लाजवाब शानदार है। अब एक काम करो, आज ही आज के अभी काम शुरू कर दो। अरे एक मिनट शांति रखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए नहीं, ये सब अच्छा है कि डिजाइन अच्छे है, सबको पसंद भी आया है, सब खुश भी है, लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रहेगी जब बजट भी अच्छा हो। तो सबसे पहले बजट जान लेते हैं, है ना? हाँ बजट तो रह गया, वो नेसेसरी है। वो टप्पू, अभी बजट की बात होने वाली है, हम चले क्या? हाँ चलना, कुछ बाहर से सेवपुरी वगैरह खा के आते हैं। हाँ ठीक है। पापा आप लोग बजट की बात कीजिए, हम लोग चलते हैं। चलो चलो बाय बाय। जासी लाम का जाऊँ, जबरदस्त था ये। हाँ बराबर है बराबर है, आप लोग पहले बैठ जाइए, हम अभी आप सभी लोगों को बजट के बारे में बताता है। हाँ जी सप्तरंगी भाई, आप बजट बताइए सबसे जरूरी। हाँ बताइए बताइए। मेहता साहब, आपके घर का बजट है? मेहता साहब के घर का बजट मतलब हम सबके घर के बजट अलग अलग है? हैं पोपट बाबू मशाई, आप सबके घर का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो आप सबके घर का चॉइस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका बजट भी अलग अलग है।
और मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए आप सभी के घर को मैं अपना घर समझ के बनवाऊंगा, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे मैं अपना कोई मार्जिन बिल्कुल नहीं रखूंगा। चले सत्तू भाई, ये बराबर नहीं है। माना क्या बबीता जी के भाई है, लेकिन क्या मेरा ऐसा मानना है कि काम धंधे में रिश्तेदारी बीच में नहीं आनी चाहिए। क्या आप इतनी मेहनत करो और दो पैसा अगर आपको ना मिले तो वो तो बराबर नहीं है, क्यों बबीता जी? ऑफ कोर्स, हाँ सत्तू भाई, हमें आपका नुकसान करके हमारा फायदा नहीं करना है। हाँ जेठा बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। सतरंगी भाई, आपका जो भी मार्जिन हो आप बजट में जोड़ के बताएंगे तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे हाथी भाई, लेकिन 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 कुछ नहीं सतरंगी भाई, आपको हम सबके कैसा। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, आप लोग इतना कह रहा है तो हम अपना रेगुलर मार्जिन नहीं लगाएगा, हम एक ठो रीजनेबल मार्जिन लगाएगा, ठीक है? हाँ ये बराबर है। तो मेहता साहब, आपके घर का बजट है 460,000 रुपया, ठीक है? 460,000? अरे वाह, मैं बिल्कुल 4 से 5 के बीच में सोच रहा था कि इतना ही होना चाहिए। आपका तो बराबर फिट बैठ गया। हाँ। और हाथी भाई, आपका बजट है 640,000 रुपया, ठीक है? हाँ ठीक है। No problem, very nice. सोडी भाई, आपके घर का बजट है 5,00,000 रुपया। पोपट भाई, आपका 3,20,000 रुपया, ठीक है? ठीक है। और जेठा भाई, आपके घर का बजट है 9,90,000 रुपया। ठीक है, 9,90,000। ओ एक्चुअली जेठा भाई का 2-2 फ्लैट है ना, इसीलिए। हाँ तो 2 फ्लैट के हिसाब से तो बहुत वाजिबी है, बहुत ही बहुत। सप्तरंगी भाई, हमारे घर का बजट बताइए ना जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, अभी बताता हूँ, 4,00,000 रुपया। ओगो भाई, 4,00,000? अरे सतरंगी, हमारा बजट तो बताओ। वो मैंने नहीं बनाया है। अरे हम अपने बहन से पैसा थोड़ी ना लेगा। ना 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 ना। ए, क्यों? सब तो हमारा बजट बनाओ, नहीं तो हम लोग काम ही नहीं करवाएंगे। हाँ अरे दीदी, तुम की बोल छो? देखो सतरंगी, बजट नहीं दोगे तो हम काम नहीं करवाएंगे। अरे जामाई बाबू, लेकिन अच्छा अच्छा ठीक अच्छे, हमी हिसेब कर। अंदाज से कुछ 4,10,000 होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सतरंगी भाई, बस एक छोटी सी क्वेरी है। अभी तो आपने बजट बता दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन ये काम जब शुरू हो जाएगा तो बजट कुछ ऊपर नीचे तो नहीं होगा? हाँ भाई, बजट नीचे होगा तो चलेगा, ऊपर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे नाना, कोनो बजट ऊपर नीचे नहीं होगा, ये सब हमारा गारंटी है। वेरी गुड, वेरी गुड सतरंगी भाई। भाई आप सब लोगों को अगर बजट ठीक लग रहा हो तो हम सब कुछ फाइनल कर देते हैं और काम कब और कैसे शुरू करना है बता देते हैं। बराबर है मेहता साहब, एकदम बराबर है। हाँ सतरंगी प्रा, तुसी आज के आज काम शुरू कर दो भाई। हाँ बराबर, फाइनल फाइनल। सतरंगी भाई, मैंने जो अपना बजट बनाया है उसके हिसाब से ज्यादा 3,00,000 तक खर्च कर सकता हूँ। आपने जो बजट बताया उसमें 1,00,000 रुपए ज्यादा है, जो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कुछ कम कर सके तो। हीरे भाई, मैं अपना मार्जिन छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, सप्तरंगी भाई, आपका नुकसान करवा के मैं रिनोवेशन नहीं करना चाहता। अरे भीड़े भाई, ये हमारे घर की बात है, हैं? गोकुलधाम सोसाइटी की बात है। नहीं बराबर है सप्तरंगी भाई, लेकिन क्या मेरे भी कुछ उसूल है, जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे रिनोवेशन नहीं करवाना। मित्रों, आज नवरात्रि का दूसरा दिवस, आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाए। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा नाम माँ दुर्गा भी। आज का रंग है नीला, कल का रंग होगा पीला। आप सभी लोग माँ की भक्ति में डांडिया गरबा पूजा धूमधाम से कर रहे होंगे, और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोगों का हाल ठीक वैसा ही है जैसे बीच सड़क पे किसी वाहन की हवा नहीं। भिड़े ने रिनोवेशन करने से इनकार कर दिया है और इस इनकार ने हमारे उत्साह और उमंग की हवा निकाल।
क्या करें, सप्तरंगी ने जो बजट बताया उससे भिड़े का बजट मैच नहीं कर रहा, इसलिए भिड़े रिनोवेशन नहीं करवा सकते, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन अब क्या होगा हमारे घरों का रिनोवेशन का, कहीं हमारे सपने टूट ना जाए। यहाँ बहुत सारे हंगामे होने अभी बाकी है, लेकिन इतिहास गवाह है, यहाँ जितनी बार ज्यादा टेंशन हुआ है उतनी बार आपके घरों में ज्यादा हंसी हुई है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.